तो आइए दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कस होने वाला है या कॉन्सेप्ट होने वाला है वो है दोस्तों अबुल फजल की कहानी के तौर पर हम इसका जीके का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। और दोस्तों हाँ, वीडियो में शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि यार अगर तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों जीके का जो कॉन्सेप्ट बनता है अबुल फजल का, लोसेंट हो या गूगल सर्वे, बस इतना ही बनता है। और जो मैंने पूरा क्लियर आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ तो साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइए और शुरू कर लेते हैं आज का हमारा कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों ये अबुल फजल था, ये कहाँ का था, यानी कि इसका जो वंशज था वो था दोस्तों अरब का। कहाँ का था इनका वंशज? अबुल फजल का जो वंशज था वो अरब का था, लेकिन दोस्तों वो अरब के हिजाजी परिवार के साथ थे, लेकिन उनका जो परिवार है वहां से उठ के, मतलब उनका जो वंशज है वो अरब से उठ के, और किस परिवार से था ये? हिजाजी परिवार से था। वहां से उठ के दोस्तों ये कहाँ आ गए? वहां से उठकर ये राजस्थान आ गए। राजस्थान में ये अपना बसेरा है या जो अपना घुंघड़ो जैसा निर्माण व्यवस्था करते हुए अजमेर में आके बस गए। अब दोस्तों जो अबुल फजल था आपका, उसका जो जन्म हुआ था वो आगरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आगरा में हुआ था। और इसका जन्म हुआ था दोस्तों 14 जनवरी 1551 को, ठीक है, 14 जनवरी 1551 में हुआ था। और इनका जो बचपन का नाम था, जिन्हें मतलब इनके माता पिता ने दिया था जब ये छोटे थे, तो इनका बचपन का नाम था दोस्तों अबुल फजल इबन मुबारक, इबन मुबारक। और इनके पिता का नाम था शेख मुबारक। इनका वंशज था आपका हिजाजी परिवार से था, ठीक है। इनके जो पिता थे शेख मुबारक, इन्हें बढ़िया इंसान बनाना चाहते थे, इन्हें मतलब शिक्षा के स्तर पर भी बढ़िया बनाना चाहते थे और लेखक के स्तर पर भी बढ़िया इंसान बनाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि इनको मतलब अच्छा इंसान बनाने के लिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, इनको मतलब बचपन से ही शिक्षा के प्रति या किताबों के प्रति इनकी रुचि को बढ़ाया गया। और इनकी रुचि को देखते हुए दोस्तों ये 20 वर्ष की उम्र में ना शिक्षक बन गए, मतलब 20 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में इतने चतुर थे, विद्वान थे, बुद्धिमान थे, तो ये शिक्षक बन गए, यानी कि टीचर के पद पर इन्होंने अपना स्थान प्राप्त कर लिया 20 वर्ष की उम्र में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इनका जो कद है और उनका जो तरीका है देखते देखते बढ़ता गया, और इनकी जो बातें हैं वो अकबर के कानों में जाने लगी। फिर क्या हुआ, अकबर के शासनकाल, अकबर के दरबार में ये 1573 में वहां पर पहुंचे। उसके बाद वहां पर जाते जाते मतलब अकबर के शासनकाल में वो उनका कद धीरे धीरे बढ़ता गया। कुछ तौर पर तो कहा जाता है कि वो राजनेता के तौर पर उन्होंने कुछ दिनों तक काम किया, उसके बाद कुछ दिनों तक उन्होंने राजन्याय के रूप में भी काम किया, कुछ दिनों तक दोस्तों जनरल के रूप में भी काम किया, उसके बाद कुछ दिनों तक कहा जाता है कि लेखक के रूप में भी इन्हें पहचाना जाता है। यानी कि आमतौर पर कह दिया जाए कि ये जो अबुल फजल है आपके सभी विद्याओं में मतलब निपुण थे, इसलिए इनको राजनेता भी कहा गया, राजनायक भी कहा गया, जनरल भी कहा गया और लेखक भी कहा गया। अब अकबर के कॉन्सेप्ट को देखते हुए दोस्तों, अकबर का जो शासनकाल था उसको मतलब अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए, अच्छी तरह से दिखाने के लिए इन्होंने 2-3 या किताबें को रचना की। एक किताब का नाम है दोस्तों आईना ए अकबरी, आईना। अब आपको जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी हो चाहे रेलवे जीके हो या आरआरबी जीके हो या राजस्थान पुलिस जीके हो, उनमें हमेशा पूछा जाता है कि मतलब आईना ए अकबरी किताब है वो किस शासक के लिए रची गई है, मतलब मुगल वंश के शासन के लिए रची गई है, और किसने रची थी? आपकी अबुल फजल ने रखी थी। और किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। ये कॉन्सेप्ट है या जीके के क्वेश्चन से आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप अबुल फजल की कहानी को डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों अकबरनामा, इस किताब में दोस्तों क्या रचा गया है? इस किताब में अकबर के शासनकाल की अच्छी अच्छी नीतियों को, उसके शासन प्रणाली को और उसकी युद्ध नीतियों को और उसकी सभ्यता को, उसकी संस्कृति को अकबरनामा पुस्तक में पूरी तरह से डिस्कस किया गया है। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी जरूर बनता है कि अकबरनामा पुस्तक का मतलब लेखक कौन है आपका? अबुल फजल। या ये भी क्वेश्चन बनता है कि अकबरनामा पुस्तक में किस शासन के वर्णन की बातें की गई है? तो वो है दोस्तों मुगल वंश के और अकबर के। अब दोस्तों इसकी जो हत्या है वो जहांगीर ने करवा दी थी 1602 में। इसकी हत्या किसने करवा दी थी? 1602 में करवा दी थी आपकी वीर सिंह बुंदेला नामक स्थान पर, यानी कि ये आगरा से आ रहा था उस समय 1602 में, जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला नामक एक इंसान था उसके द्वारा इसकी हत्या करवा दी थी, ठीक है दोस्तों। अब इसने ये तो हमने डिस्कस कर लिया है कि इसने मध्यकालीन भारत की सभ्यता
सभ्यता समाज के बारे में अच्छी तरह से वर्णन अपनी पुस्तकों में किया, यानी कि आईना अकबरी और अकबरनामा में अकबर के शासनकाल को अच्छी तरह से दर्शाया गया है, अकबर के कार्य को भी अच्छी तरह से दर्शाया गया है, या अकबर की विजय गाथाओं को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है। तो यही दोस्तों हमारा आज का कॉन्सेप्ट था कि अबुल फजल क्या थे। अब अबुल फजल हमने ये पढ़ लिया है कि फैजी के क्या थे, छोटे भाई थे। तो यही कॉन्सेप्ट था दोस्तों आज का हमारा, कि अबुल फजल की पूरी डिस्कस में देने की कोशिश करो, क्योंकि दोस्तों लूसेंट जो आपकी बुक है उसमें बस थोड़ा ही दिया है कि आईना अकबर के मतलब लेखक कौन था, या अकबरनामा का लेखक कौन था, या इसकी मृत्यु कब हुई थी, बस इतना ही है। लेकिन मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया है, इसका जन्म कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था, इसका जो परिवार है कहाँ से थे, ये अरब से थे, हिजाजी परिवार से थे, या ये बसे मतलब इनका जो इंडिया में जो बसेवान हुआ, या इनका जो सबसे पहला यहाँ पर आकर ये कहाँ पर बसेरा आपने डाला, तो राजस्थान में अजमेर है, अजमेर में नागौर में ये आकर सबसे पहले बसे। अब दोस्तों ये अबुल फजल चतुर थे बुद्धिमानी के लिए, तो ये 20 वर्ष की उम्र में मतलब शिक्षक बन गए, उसके बाद अकबर के शासनकाल में चल गए। अकबर ने इनकी मतलब चतुरता को देखते हुए मतलब राजनायक या राजनेता जनरल और लेखक के रूप में इन्होंने वहां पर काम किया, उसके बाद आईना अकबरी और अकबरनामा का निर्माण किया। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को दोस्तों अगर हमें अच्छी तरह से पढ़ना है ना, तो वो सबसे पहले हम तरीका क्या सीखते हैं कि वो उसकी कहानी को डिस्कस किया जाए। तो यही मैं कहानियां लाता रहूंगा आपके लिए जीके को पूरा कराने के लिए। और दोस्तों हाँ, मैंने अकबर के नवरत्नों के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे दिए अपने वीडियोज में, तो यही भी दोस्तों अबुल फजल भी अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, इसलिए हमने इसकी ये जो डिस्कस की है ये इतनी बढ़िया तरीके से की है। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज यार सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को जरूर लाइक करें। तो मिलेंगे हम इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए बाय, एंड देना ना भूले मेरे चैनल अनुभवित रवि को।